रामपुर में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक नवेद मियां ने अपने बेटे हमजा मियां संग आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी ओर शहर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर तनवीर अहमद ने अपने सैकड़ों समर्थकों समेत कांग्रेस का दामन थाम कर रामपुर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। तो क्या लगता है आपको, क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति? देखिए, पूरे देश में सांप्रदायिक ताकतों के लड़ने के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बची, और पूरे देश में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, और हम भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि सांप्रदायिकता को आप हमारे अपने देश से निकाल के बाहर करें, अपने प्रदेश से निकाल के बाहर करें, अपने रामपुर से अपने ज़िले से सांप्रदायिकता को निकालें। तो ये लड़ाई हमारी भी है और हमारे कार्यकर्ताओं की भी है और हमारे नेताओं की भी, तो लिहाजा इस वजह से कांग्रेस ज्वाइन करी गई है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गरीबों के लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए, जो 6,000 रुपये महीने का इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने आज बोल दिया है स्कॉलरशिप का, तो 6,000 रुपये महीने का, तो वो गरीबों के लिए नहायत अच्छी चीज़ है और गेम चेंजर साबित होगी। हम लोगों की नज़र में वो गेम चेंजर है। तो सब जैसा आपको लगता है कि बीजेपी से जय प्रदा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस किसको चुनौती देगी? देखिए, 15 दिन में चुनाव शहर का रंग दूसरा होगा। आप ये नहीं समझे, कांग्रेस कभी भी, आप ये अफवाहें उड़ाई जाती जा रही है कि कमज़ोर प्रत्याशी उतार दिया, यहाँ कमज़ोर प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस कभी भी कमज़ोर प्रत्याशी उतार कर अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ती आई है और यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट उतारा। अगर बेगम नूरबानो होती तो हमें खुशी और ज़्यादा होती, लेकिन संजय कपूर भी एक अच्छे प्रत्याशी हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो लिहाजा वो पुराने कांग्रेसी हैं और हम सब में उनके लेके विश्वास है कि वो अच्छा।